नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिदनू ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज खेरसा में हो रहे मतगणना में पहले चरण की मतगणना शुरू हो गई है, जिसमें सेन पश्चिम पारा से 186 वोट से किन्नर काजल किरण विजयी घोषित हुई। दूसरे चरण को भी मतगणना शुरू कर दी गई है और प्रत्याशी को अपनी जीत हार का इंतजार है। उधर रामखेड़ा ग्राम पंचायत से शिवदेवी विजयी हुई और यारा से वीर सिंह यादव 63 वोट से विजयी घोषित हुए। अभी और प्रत्याशियों को अपनी जीत हार का इंतजार है और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई हैं। पारा से काजल किरण विजयी हुई है, हम उनसे बात करते हैं। अब वो गांव में किस तरह से अपने जो है विकास को करेंगे? जो गांव में जो विकास का रुके हुए हैं, काफी शिकायतें थी, शौचालय नहीं बने थे, आवास नहीं मिले थे, अब जनता को आपसे उम्मीदें हैं। देखिए, जो फंड का पैसा आएगा वो हम पूरा सेन पश्चिम पारा हुआ, कल्याणीपुरवा हुआ, सुदीनपुरवा हुआ, बगाहा हुआ, इन गाँव को जैसे इतनी खराब रास्ताएं हैं, नालियां खराब हैं, कितने लोग पीड़ित हैं कि जिनको कॉलोनियां मिली उनको गरीबों को कॉलोनियां नहीं दी, हम देख करके आए हैं, सब उनकी परेशानियां सब हम दूर करें। तो ये काजल किरण है जो कि सेन पश्चिम पारा से प्रधान पद की प्रधान चुनी गई हैं, और अभी इसके पहले जो प्रधान थे वो शौचालय का पैसा और सैनिटाइजर मास्क हर चीज़ का पैसा खा गए थे। और कोविड-19 महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, इस संबंध में आप प्रधान बन गए, अब क्या करेंगे? देखिए, अगलों ने क्या किया उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो सामने हैं उसके बारे में हम कहते हैं। जो अब हम आए हैं, अब हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा, हम न्याय की कुर्सी बैठते तो न्याय करते, किसी से अन्याय नहीं होगा। तो ये सेन पश्चिम पारा की ग्राम प्रधान काजल किरण जी, जिनका साफ साफ कहना है कि अब मैं इस कुर्सी में बैठ गई हूँ, अब अन्याय नहीं होगा गांव वाले साथ। मैं मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ।